स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम फेसलेस असेसमेंट का रिप्लाई कैसे देते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि अभी फेसलेस असेसमेंट कंपलसरी हो गया है, जिसमें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग दी ऑनेस्ट वाले मॉड्यूल पर ये फेसलेस आया है। तो इसी में अगर आपके पास कोई फेसलेस असेसमेंट के लिए नोटिस आया हुआ है तो उस नोटिस का हम रिप्लाई कैसे करेंगे, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके फेसलेस असेसमेंट का रिप्लाई कैसे सबमिट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो मैं आपको लॉगिन करके बता देती हूँ। जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड्स के साथ लॉगिन करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे सबसे पहले स्क्रीन यही आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले वर्कलिस्ट में जाएंगे। वर्कलिस्ट में फॉर योर एक्शन में हम जाके देखेंगे कि हमारे पास नोटिस कहाँ पर है। ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पैन नंबर, असेसमेंट या प्रोसीडिंग नेम, ऑप्ट फॉर प्रोसीडिंग, येस हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। प्रोसीडिंग का लिमिटेशन भी इन्होंने डिसाइड किया हुआ है एंड प्रोसीडिंग क्लोजर डेट, जब ये क्लोज हो जाएगी तब इसमें यहाँ डेट आ जाएगी। अभी ये ओपन है, प्रोसीडिंग का स्टेटस इसमें ओपन है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि नोटिस कहाँ पर है। अगर आपके पास ईमेल पर नोटिस आया है आप उसको भी अपने सामने रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपसे वो मिस हो गया है देन आप इस वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले भी नोटिसेज आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन हैं। तो हम देखेंगे 143(2) में नोटिस आया था 28th of September को 2019 में। उसके बाद हमने इसमें रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया था। जो सबमिट किया हुआ रिस्पॉन्स है वो हम यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि हमें कैसे इसको व्यू करना है। तो जैसे कि इसमें बता दिया है, यहाँ पर ये रेस्पॉन्स है, व्यू डिटेल्स करेंगे तो यहाँ से वो आपको उस रेस्पॉन्स के पास ले जाएगा जो आपने सबमिट किया है। तो ये हमने रेस्पॉन्स सबमिट किया था। उसके बाद ये हमें इन्होंने फिर से एक और नोटिस दिया। अगर वो हमारे एक रेस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो हमें दूसरा नोटिस भेजते हैं। अब इन्होंने 142(1) में नोटिस भेजा है तो उसके आगे भी हमने इसका रिप्लाई सबमिट कर दिया है, जिसे हम व्यू वाले ऑप्शन से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमें इसे कैसे देखना है। अब मैं आपको बता दूं कि हमें नोटिस कैसे देखना है इसका। जैसे ये जैसे ही हमने इस वाले हाइपरलिंक पर क्लिक किया नोटिस कम्युनिकेशन रेफरेंस वाले टैब में, तो एक न्यू स्क्रीन ओपन हो गई। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस ओपन हो जाएगा। मैं आपको ये नोटिस ओपन करके दिखा रही हूँ। पीडीएफ वर्जन में ये नोटिस होते हैं तो आप बहुत इजीली अपने सिस्टम पे इसे खोल पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, ठीक है, NEAC, इन्होंने नोटिस भेजा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। इस नोटिस को अगर आप ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत क्लियरली इस वाले ऑप्शन पे, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप देखेंगे ई प्रोसीडिंग्स फैसिलिटी के थ्रू ही आपको इसे जमा करना है। तो ये बहुत क्लियर है, ए ब्रीफ नोट ऑन ई असेसमेंट स्कीम 2019 इज इनक्लोज्ड। इस नोटिस के साथ उन्होंने ये स्कीम भी इनक्लोज करी है। दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉनिकली ही जवाब सबमिट करना है, हमें इनकम टैक्स ऑफिस विजिट नहीं करना है पर्सनली, और वहाँ जाके किसी भी असेसिंग ऑफिसर को हमें रिप्लाई सबमिट नहीं करना है, बिकॉज हम ई असेसमेंट स्कीम में इन्होंने हमें नोटिस भेजा है। तो अब उसी को आगे बढ़ते हुए, ई असेसमेंट स्कीम 2019 जो आई थी वो अभी
जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसे टेक्निकल वीडियोस हम हमेशा लेकर आते रहेंगे जो कि आपके लिए, कॉमन मैन के लिए बहुत सिंपल है। क्योंकि आप इस वाले वीडियो को देखकर आपके पास अगर कोई भी नोटिस आया है और आपको लगता है कि आप उसका जवाब खुद ही दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। ये बहुत सिंपल है और कोई भी आपको नोटिस पढ़ने में, समझने में कहीं भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप प्लीज़ हमें लिखिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आगे भी कोई टेक्निकल क्वेरी अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ हमें लिख के भेजिएगा, सो दैट वी कैन गाइड यू एंड आप अपने जवाब खुद ही आराम से अपने घर में, अपने कंफर्ट में इसे सबमिट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।